छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए विशेष अभियान में जुट गए हैं। उन्होंने अपने महकमे के अधिकारियों कर्मचारियों को बच्चों के मसले पर अलर्ट रहने को कहा है। सिंहदेव ने बच्चों की मृत्यु के मामले को गंभीरता से लिया है और कहा कि ऐसा न हो इसके लिए सारे प्रयास किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा उपकरणों सिटी स्कैन मशीन MRI मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश में मलेरिया मुक्ति अभियान में जुट गए हैं। जगदलपुर प्रवास के दौरान सभी कलेक्टर एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में सिंहदेव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिशु केयर एवं चिकित्सा को लेकर समूचा अमला 24 घंटे अलर्ट रहे। शिशु ये SNCO न्योनेटल उपचार के लिए जिन बच्चों को जरूरत होती है तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत और NHM के माध्यम से 100% फंडिंग है और 100% स्टाफ है। इस पे स्टाफ की कमी नहीं है, अस्पतालों में और जगह स्टाफ की कमी आ सकती है। 24 ऐसी इकाइयाँ 23 जिलों में हम लोगों ने स्थापित कर लिए हैं, 2 और जिले हाल में लागू हो जाएंगे। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौतें मलेरिया से होती हैं। अब सरकार ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का विशेष अभियान चलाया है। अब मलेरिया और बच्चों के मसले पर गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय से लेकर मेडिकल कॉलेज तक अलर्ट पर रहेंगे। गांव-गांव में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रहें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।